सोलन के धर्मपुर में दो सड़का के समीप एक टैंकर व ट्रॉली के जोरदार भिंडत हो गई, जिसमें टैंकर रेलवे लाइन पर जा गिरा। दोनों ही वाहनों के चालकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार रात करीब 3:15 बजे टैंकर कालका से समुधी की तरफ जा रहा था। टैंकर के अंदर मिट्टी का तेल भरा था, जो आर्मी कैंप समुधी किन्नौर में खाली करना था। टैंकर धर्मपुर से थोड़ा आगे डगशाई दो सड़का के पास पहुंचा, तो सोलन की तरफ से दूसरी लेन से एकदम एक ट्रक सड़क के बीच में लगे डिवाइडर के ऊपर से इसकी लेन में तेज रफ्तार से आ गया। इसने इस टैंकर के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी, जिससे इस टैंकर का बैलेंस खराब हो गया व सड़क से करीब 50 से 60 फुट नीचे लुढ़क कर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, तथा टैंकर में भरा हुआ सारा मिट्टी का तेल भी लीक हो गया। ट्रैक पर गिरने की वजह से शिमला की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी करीब 3 घंटे लेट हुई। रेलगाड़ी को धर्मपुर में ही रोक लिया गया था। रेल मार्ग से टैंकर को हटाए जाने के बाद ही शिमला के लिए रेलगाड़ी को रवाना किया गया। दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए धर्मपुर अस्पताल में ले जाया गया है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।